मसीह में आपकी सलामती हो। हाँ, मेरा नाम अदनान आरिफ जहांगीर है और मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मैं आज आपके सामने जिन हकाइक का जिक्र करने लगा हूँ उससे मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है, मेरी जान को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक होगा कि जिनके खिलाफ मैं बात करने लगा हूँ तो उनके लिए एक मैं शेयर अर्ज करना चाहता हूँ। चिरागों को बुझाया जा रहा है, हवाओं से डराया जा रहा है, मैं समझता हूँ मोहब्बत को इबादत, मुझे क्यों का सताया जा रहा है। मैं ये अपने भाई का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये मेरे लिए गज़ल लिखी, शेयर लिखी है, तो उनकी मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं जिनके लिए ये बात करना चाह रहा हूँ या जिनके बारे में हकायक के लिए बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में सबसे मुनज़्ज़म ग्रोह है और वो इतना मुनज़्ज़म ग्रोह है कि उनकी बात, उनके लिए जो बात करने वाले लोग हैं वो या तो अपने खुदा ताला के पास पहुँच जाते हैं या वो इस तरह की दुनिया में वहाँ रहते हैं। तो आपको मैं सिर्फ आपके साथ ये जिक्र करना चाहूँगा तमाम साथियों के साथ कि मैं चंद रोज से चंद हफ्तों से एक मुनज़्ज़म कैंपेन पे काम कर रहा था कि हम अपने बच्चों को, गरीब मस्कीन बच्चों को, लाचार बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन के लिए हम अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें। और जिन इदारों को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपने सही तरीके से फराइज अंजाम दें, तो उन इदारों की तरफ से उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई है, मुख्तलिफ ज़राए से मुझे डराया धमकाया भी गया है और इससे पेशतर भी हमारे चंद साथियों के खिलाफ भी एक नज़म कंपनी चलाई गई है और उनको भी मतलब तरह की धमकियाँ, उन्हें मारना और उन्हें मतलब और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, कारोबार पे मसाइल लाने की कोशिश की गई। तो चंद रोज पहले मैंने हमें कुछ इतलात मिली कि कारितास पाकिस्तान कोयटा के पास बहुत खतीर रकम आई है और वो जो फ्लड के फैक्ट्रीज हैं उन पर काम करेंगे। तो इनकी गुज़िश्ता करप्शन भी कुछ हमारे सामने थी कि उन्होंने जो गाड़ियाँ वगैरह सेल की, जो चर्च प्रॉपर्टी है या इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी है, तो उनको इन्होंने अपने कुछ बदनाम जमाना ठेकेदारान के थ्रू उसे सेल किया। कुछ ज़मीनें हैं मतलब जिसमें ज़बादर की ज़मीन का जिक्र करूँगा मैं, ज़ियारत की ज़मीन का जिक्र करूँगा, किला सैफुल्ला की ज़मीन का जिक्र करूँगा और मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ डाडर की ज़मीन का, नौरलाई की ज़मीन का और बहुत सारे ऐसे करप्शन जो है ऑर्गेनाइज तरीके से डायसेस ऑफ कैथलिक चर्च बलूचिस्तान की तरफ से की गई। और इससे पहले जो हमारे कुछ श्रीलंकन जो बिशप साहबान थे, फादर साहबान थे, मेरी रिक्वेस्ट जो है इस सिलसिला में आईजी बलूचिस्तान से भी है कि जो चर्चेस में ये जो असले प्रोवाइड किए गए हैं जो कि अनट्रेंड लोगों को मतलब हमारे बिशप साहबान ने या फादर साहबान ने मतलब अपने कई मकासद पूरे करने के लिए उन्हें दिया गया है, तो अगर उससे किसी किस्म का भी हादसा, जैसे कि हमारे पीछे दोस्त काशिफ सरदार भट्टी की डेथ हुई थी या और मास्टर फिको से कत्ल हुआ था, इस तरह मास्टर इमरान से भी ये मेरी जात में ये कत्ल हो सकता था, तो ये जो कातलाना हमला हमारे घर पे हुआ है इसमें भी उस असले की नुमाइश की गई और उस चाकू चुरिए उस सारे मामला की नुमाइश की गई। तो मेरी अपील है कि आई जी बलूचिस्तान से कि ये जो असला जो है वो रिकवर किया जाए और मुझे पूरा मुताबिक पूरा ईमान है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की वो हमारा बेहतर तौर पर तहफ़ कर सकती हैं, तो फिर हमारे इस तरह के ये गटरकूली या मतलब शराबी कवाबी लोगों या इस तरह के गुंडा बरदार लोगों को कोई भी इस तरह की सहूलत नहीं देनी चाहिए और इनसे ये असले के लाइसेंस के मनसूख करके इनसे ये वापस ले जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो गाड़ी BQF098 जो रिकवर हुई है उसमें से मतलब शराब की, चर्च की और मुख्तलिफ नशियावर सामान की जो तरसील होती थी, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये जो गाड़ी शहीद मोहम्मद अश्ती में जब्त हुई है गाड़ी, ये इस गाड़ी किसकी है, ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है। तो वो गाड़ी जो है वो कैथलिक चर्च की है और इस तरह की बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ, तो 252 वीगो डाले और कैथलिक कैरिटास कोटा बलूचिस्तान की ऐसी बड़ी गाड़ियाँ जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इनकी प्रॉपर्टी है और उसे भी रिकवर किया जाए। थैंक यू।